हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा इस चैनल फ्लावरहॉर्न सीक्रेट पे। और दोस्तों, आज हम इस एक्वेरियम को पेंट करने वाले हैं। ये मेरा 3.5 फीट का एक्वेरियम है। और दोस्तों, ये मेरा फ्लावरहॉर्न टैंक नहीं है, इसमें मैं मेनली बाइशीट्स और रिटेल कैटफिश रखा हूँ फिलहाल के लिए, जो कि स्मॉल साइज का है। तो दोस्तों, मैं चूज किया हूँ कि स्प्रे पेंट यूज करूँ। अदरवाइज आपका पास ऑप्शन है कि आप विनाइल शीट भी यूज कर सकते हैं आपका डिजायर्ड कलर का, या तो आप नॉर्मल पेंट भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज ये पेंट यूज करने वाले हैं। दोस्तों, एब्रो स्प्रे ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, मैं अमेजोन से ऑर्डर किया हूँ। दोस्तों, मैट ब्लैक का ये ऑप्शन है जो मैं यूज करूंगा, ताकि बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का हमको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, पेंट शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं वीडियो बना रहा था, मैं सोच रहा था कि वीडियो बना लूं ताकि आपको हेल्प हो जाए कि फर्स्ट टाइम क्या क्या दिक्कत होता है, वो आपका रिगार्डिंग आपका हेल्प हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, पेंट शुरू करने के पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जो है जो साइड आप पेंट करना चाहते हैं वो साइड छोड़ के बाकी जो जो साइड है वो आप पहले तो न्यूज़पेपर से कवर कर दें। जैसे मैंने किया है, देखिए सब साइड मैंने जो है न्यूज़पेपर से पूरा एकदम कवर कर दिया है, देखिए। तो जो है पूरा साइड आप कवर करने के बाद आप जो है जो आपका डिजायर्ड साइड है, यानी कि मेनली का बैकग्राउंड, और आप अगर नीचे का पोर्शन करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ बैकग्राउंड करूंगा, तो उस पोर्शन को आप खुला छोड़ दें और उस पोर्शन को हम करेंगे। और एक बात, स्प्रे पेंट यूज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जगह थोड़ा ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये वेपर बन के आपका जो है वॉल पे लग सकता है, और आपको जो है खिड़की खुला रखना होगा। आप चाहे तो ग्लोव्स ही यूज कर सकते हैं और मास्क भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जो हम ग्लास कलर करना चाहते हैं उसको हम क्लीन कर ले अच्छे से। तो दोस्तों, मैं यूज कर रहा हूँ कॉलिन। तो दोस्तों, आप कुछ भी जो वेपराइज हो जाता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए कॉलिन यूज करते हैं। और दोस्तों, कॉलिन यूज करने के बाद हम जो है एक कॉटन का क्लॉथ से इसको जो है अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार पेंट कर दिया तो उसके अंदर जो डर्टी रहेगा, डर्टी सरफेस है तो कुछ भी डर्ट्स वो दोस्तों रह जाएगा पेंट के अंदर, और आपको वो बैकग्राउंड से इजीली दिख जाएगा। तो दोस्तों, हमको ये ध्यान में रखना है कि हम अच्छे से इसको क्लीन कर लें जितना हो सके। तो दोस्तों, क्लीन कर लिया हमने, उसके बाद हमको मिनिमम 1 से 2 घंटे वेट करेंगे, उसके बाद हम जो है पेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, 1 घंटा जो है हमारा हो चुका है, अभी हम रेडी है पेंट करने के लिए। तो दोस्तों, हम इसको 2 राउंड में करेंगे। फर्स्ट होगा हम इसको हॉरिजॉन्टली करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम जो है उसको वर्टिकली करेंगे। तो 2 कोट होगा टोटली, 1 कोट के बाद हम फिर से 1 से 2 घंटे वेट करेंगे, उसके बाद 2nd कोट करेंगे। तो दोस्तों, देखते क्या होता है, चलिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि वेपर बन रहा है पूरा। तो दोस्तों, ऐसे हमको करते रहना है। दोस्तों, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मेरा भी बहुत नर्वस हूँ। Thank you.
तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं हमने लगभग कर लिया है हॉरिजॉन्टली। तो दोस्तों आपको एक बात बोलना है कि आप जो है ग्लास और जो है मास्क जरूर पहने, होगा तो आप ग्लोव्स ही पहन लिए लीजिए। ये बहुत फर्स्ट टाइम उतना आसान नहीं है करना, उसका मेरे को भी बहुत डिफिकल्टीज का जो है सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों जस्ट जो है जेंटली आप इसको कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हमारा फर्स्ट कोटिंग जो है जो कि हॉरिजॉन्टली हम करने जा रहे थे वो हम कर लिए है। एक घंटा हम वेट करेंगे, उसके बाद जो है हम सेकंड राउंड यानी कि वर्टिकली हम इसको करेंगे। तो दोस्तों हमारा एक घंटा हो चुका है, अभी हम जो है सेकंड राउंड वर्टिकली शुरू करेंगे। दोस्तों हमको अभी ये जिगजैग पैटर्न पे हमको जो है फाइनल कोटिंग करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड कोटिंग जो है वो भी हो चुका है ऐसा दिख रहा है फिलहाल के लिए। दोस्तों हमको लाइट पासिंग करके जो भी जगह पे कम पेंट हुआ है उस जगह को हमको मार्कआउट करके फिर उस जगह पे हमको पेंट करना है, ऐसा कर करके हमको करना होगा तभी ये होगा, वैसे तो कोई बात नहीं है। ठीक है ऐसा ही कर करके आपको करना है। दोस्तों जिस तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था उस तरीके से तो नहीं हुआ क्योंकि मेरे को भी बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा पेंट करने को। तो दोस्तों आप जब करेंगे तो आपको भी हो जाएगा, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमारा अगला स्टेप है, हम ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको भी कलर करेंगे। ये जो रह गया है ये पोर्शन, तो हम जो है इसमें पेपर लगाने के वक्त जो हम सेलो टेप यूज किए थे उसको हम हटा देंगे केयरफुली। उसके बाद जो है ऊपर का पोर्शन भी जो है पेंट जो है कर देंगे। दोस्तों आप इसको बाद में भी रिमूव कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि ना कोई दूसरा कलर करे तो आप वो भी कर सकते हैं। इजीली आपको एक ब्लेड लेना होगा या तो कोई शार्प चीज, उसके थ्रू आप इसको स्क्रैच करके इजीली जो है आप इसको रिमूव कर सकते हैं पेंट को, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ऊपर का स्पेस, ये जो है हम अब कवर करने वाले हैं। दोस्तों पेंट भी जो है लगभग खत्म हो चुका है तो इसके अंदर हमको कम्प्लीट करना है। तो दोस्तों हमारा टैंक जो है रेडी है अभी। दोस्तों देख सकते हैं ये इस पोर्शन पे मैंने जो है ब्लैक टेप मार दिया है ताकि एक फिनिशिंग आ जाए। आप चाहे तो दो कॉर्नर में ब्लैक टेप मार सकते हैं कुछ भी, लेकिन दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है पीछे से। दोस्तों सरफेस पीछे से देखने से सरफेस में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सामने से जो देखने से वो सही रहेगा। दोस्तों सामने से देखें अभी मेरा ग्लास थोड़ा गंदा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी ऊपर से जो है एकदम क्लीन दिख रहा है। ठीक है और आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं ये ब्लेड या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट यूज करके। दोस्तों मैंने इसको एक दिन रखा है सूखने के बाद,
जो है एकदम हम यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाटर रेजिस्टेंट है, इसलिए वाटर से इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।